वेलकम बैक भाई लोग, स्वागत है तुम लोग का एक बार फिर से GTA 5 के मेगा रैम मैच में। आज भाई लोग हम लोग जा रहे हैं फिर से भाई मेगा रैम खेल रहे हैं GTA 5 ऑनलाइन। और कुछ है ना ना लाइफ में करने को, इसकी माँ का है तो GTA 5 या तो भाई रेसिडेंट ईविल। अभी दो दिन से नया आ गया, यही में हम लोग की लाइफ सर्किल मतलब गोल 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 आस पास घूमे पड़ी भाई। अब क्या कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं। और क्या फ़िलहाल भाई, ये हमारी मेगा रैम रेस ट्रांसफॉर्मेशन रेस। यहाँ पर जो है हमने बुगूटी शिरॉन ले रखी है और 16 लौंडे हैं टोटल। इसमें देखते हैं हम लोग की कौन सी पोजीशन आती है। लेकिन लौंडे जो है भाई टाइपिंग कर अरे रे भैया, जान दो भाई प्लीज़। आई एम सॉरी ब्रदर्स, लेट मी थ्रू प्लीज़, जान दो हमें। ओके भाई, जैसे तैसे हमने यहाँ पे बचा लिया है। तो यहाँ पर भाई जो है लौंडे टाइप कर के जो है वो स्पॉन कर रहे हैं भाई। गलत रैम, गलत सीन होने वाला है, गलत रैम। तो भाई रैम तो हमको एवरेज ही लग रहा है, जैसा नॉर्मल रहता है। या तो हम बहुत ज़्यादा प्रो हैं इस वजह से एवरेज लग रहा है, या तो भाई लौंडे थोड़े नूब टाइप के हैं जिस वजह से उन लोग जो है स्पैम कर रहे हैं भाई। अब कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर वहाँ तक हम बिना गिरे पहुंच गए भाई तो इसका मतलब जो है हम प्रो हैं। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब लौंडे जो स्पैम कर रहे गलत सीन और गलत रैम, तो भाई उनकी बात सही है। फ़िलहाल तुम लोग जो है जज करना और कमेंट करके मतलब ऑब्जर्व करके बताना यार कैसा है, मतलब कठिन है कि नहीं। फ़िलहाल भाई उतना कठिन तो नहीं है यार जितना मतलब लौंडे मरे जा रहे, फटे जा रहे, एकदम चूई जा रही उन लोग की, पता नहीं क्या ऐसा जैसे शेर और के पिंजड़े में सीमा का बंद कर दिया, खून लगा के पूरे बदन पे और पता नहीं क्या बकचोदी बोल रहे भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल भाई यहाँ पर हमारी पोजीशन है 5th। अभी मतलब ज़्यादा भी पीछे नहीं है, अभी हमारे सामने दो तीन प्लेन है भाई। एक दो बार ये सामने कौन लौंडा कलाबाजी कर रहा है, गोल गोल नचा रहा है भाई, यही शान पट्टी करने के चक्कर में एक बार लड़ा दे, बस एक चांस हमको मिल जाए बस। थर्ड हो गए भाई, रुक जा, बहुत हार्ड। लाल भाई जो है एम्बुलेंस में जो है हम लोग स्विच हो चुके हैं, जान दे भाई प्लीज़, मरीजवा अंदर पड़ा है भाई, मर जाएगा भाई, एम्बुलेंस से जान दो भाई, अंदर जिंदगी और जीवन और प्राण के बीच में जूझ रहा है, बीच में लटका हुआ है भाई, भगंदर हो गया उसको। फ़िलहाल यार यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, जो सीढ़ी की तरह जो ये रैंप है ना भाई, यहाँ पे जो है बड़े टायर वाली जो है कोई व्हीकल रहेगी तभी जो है आराम से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी टायर है भाई एम्बुलेंस का इसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे भाई हम लोग, क्योंकि तुम्हारा भाई है असल में प्रो। GTA 5 में भी प्रो है भाई और पबजी में भी प्रो था, लेकिन दो तीन लौंडे आके मेरा घमंड तोड़ दिया उन लोगों ने, मुझे गलत साबित कर दिया। दो तीन तो आपसी के लौंडे थे भाई, उन लोग ज़्यादा भयानक खेलते थे, इस वजह से पबजी खेलना हमने उस दिन से छोड़ दिया भाई। अगर जिस दिन भाई 10th के मतलब नीचे या 5th के नीचे मतलब जिस दिन भाई दिल पे लग गया कि हाँ GTA 5 में भाई हार रहे हैं लौंडे जो है हमसे ख़तरनाक है, धूल चटा के हमको हरा के चले गए हैं। और रुक जा भाई रुक जा, अरे बाप रे यहाँ पे गड्ढा है भाई बीच में, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कह रहा था मैं जिस दिन लौंडे उसको एकदम बुरी तरह से बेइज्जत करके हरा देंगे भाई, उस दिन मैं GTA खेलना छोड़ दूंगा कसम से भाई। फिलहाल यहाँ पे जो है अभी कोई नहीं हरा सकता क्योंकि अभी जो है हम फर्स्ट। ओके फाइटर जेट में जो है हम लोग दोबारा से स्विच कर चुके हैं फाइटर जेट, लेकिन यार नाम की पता नहीं एकदम टट्टी फाइटर जेट है ना, तेज़ चल रही है ना भाई, इसमें से मिसाइल्स और गोली निकल ली भाई, चूतिया है इसकी माँ का पता नहीं क्या है। कम से कम पानी वाला गुब्बारा ही मार लेती लौंडे लोग को मारते हैं, लेकिन बेकार है भाई, सब ख़राब है इसका औजार उजार मिसाइल उसाइल मारने वाला। और जो है बात बात में हम लोग आ चुके हैं दोबारा से चेक पॉइंट पर, और ये मिल गई है हमको बड़े टायर सूजे टायर वाली भैया मॉन्स्टर ट्रक मिल गई है। मॉन्स्टर ट्रक मतलब इसकी माँ का बड़ा बड़ा टायर, और एकदम आराम से जो है पानी की तरह मक्खन की तरह एकदम नीचे जाएंगे हम लोग, ऊपर से हम प्रो और इसकी माँ का एकदम सही शॉट व्हीकल भाई। ख़राब रोड पे जो है मॉन्स्टर ट्रक ही काम, अबे यार ये हमसे आगे निकल रहा भाई, कौन लौंडा है भाई, रुक जा भाई हमसे आगे तू ना निकल, बहुत सही। इसको मैं बद्दुआ दूंगा भाई, इसको मैं जो है क्या कहते हैं भाई
गरीब आदमी हूँ मैं, गरीब गरीब लोग की भाई बद्दुआ आ। अरे रे 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 रे। साले तेरी माँ खुद से जा भाई। अरे पॉप रे भाई, बहुत तीन लौंडे। अरे पॉप रे, चार लौंडे। क्या हो रहा है भैया, लौंडे इसकी माँ का भाई, खेल ना यार हमारे साथ, क्या हो गया। हमको लग रहा था भाई हमारी इसकी माँ का जो है एकदम यहाँ पे जोधा बने पहले पे हैं, लेकिन इसकी बहन का यहाँ से कुदाया है लौंडे एक के बाद एक के बाद एक, पांच पांच ठो गुच्छा बना के भाई बल्क में आ रहे लौंडे। और इसको पागल चौधे को देखो, पॉप पे पॉप, लौंडे इसकी माँ का भाई, लौंडे भहके पूरे, टोटल पागल है भाई, पूरे पागल है। उल्टे रैंप पे भाई प्लेन चढ़ा रहा है, कितना कमीना लौंडा है भाई वो, जो भी था बहुत कमीना लौंडा है भाई, बहुत आगे नहीं जाएगा वो। फिलहाल भाई यहाँ पर जो है लौंडे जो है हमको गलत प्रूफ कर दिया है, यहाँ पर खाली हम सिंगल ही प्रो प्लेयर नहीं है भाई, यहाँ पे पाँच छः लौंडे ऐसे जिनके रग में खून में भाई, खून नहीं लोहा दौड़ रहा है भाई, लोहा मतलब बहुत भयानक प्रो प्लेयर है। GTA 5 में थर्ड हो गए भाई फर्स्ट से, घमंड चूर कर दिया भाई इन लोगों ने, अपने जूते तले मेरे जो प्राउड और मेरी प्राइड थी भाई, उसको कुचुल्ला बिगाड़ दिया, थोड़ी पचौनी दबा कर निकाल दिया भाई। फर्स्ट डायरेक्ट जो है फिफ्थ है, लेकिन थर्ड हो गए भाई। धीरे धीरे करके जो है लौंडों को अभी धूल चटाने की कोशिश करता हूँ मैं, चटाऊंगा नहीं, शटाऊंगा भाई, चटाऊंगा नहीं, खाली मैं शटाता हूँ तो इन लोग को धूल शटाने की। वह देखो वह लड़ा इस पागल, बहुत हार्ड भाई, खुद ही से धूल शाट लिया इसने। ओके अब इससे मैं डायरेक्ट जंप करवाऊंगा और पहुंचूंगा डायरेक्ट चेक पॉइंट चुन्नट पास। ये देखो अरे पॉप रे, नहीं कूद इस भाई, खटका भाई, बुटन लग रहा है, इन लोग बंद किए भाई, डिसेबल किए हैं, जाए मैं कोई डायरेक्ट पहुंच ना पाए वहां तक भाई, कुछ गलत है भाई, क्या फायदा है ये वाली कार से भाई इसमें। अरे पॉप रे पॉप, कितना भयानक पागल लौंडा है भाई, राधे हो गया तेरे नाम वाला पक्का। रेलवे स्टेशन पे लौंडे पकड़ गए इसको पक्का, ट्रेन के चुंबक में लड़ाई ने टकले के बल पागल हो गया भाई, कोई उल्टा लाता है प्लेन उभी इतने खराब रैम से, कौन लौंडा। रुक जाओ भाई, भाई ये वाली कार में गए यार, शेट अपने पास ही से भाई, अपने अंडे पे कुल्हाड़ी हम खुद ही मार लेते हैं अपने पैर पे। यहाँ पे पूरी मेरी गलती यार, अजीब सी भाई, पता नहीं पराठे की तरह, अंडे पराठे की तरह भाई ये कार ही है, बिल्कुल चपटी सी खराब सी, इसकी नोज ही नहीं, सामने वाला फ्रंट ही नहीं सीधा होता है भाई, तो इसमें कैसे वहाँ तक लेके जाए यार, तुम ही लोग बताओ, ना इंसाफी है ना ये। Oh my God, यार दूसरी बार भी हक दिया कसम से भाई, लूज मोशन हो रहा है बहुत भयानक। अरे बाप रे भाई, सेकंड से सिक्स हो गए इसकी माँ का, बाप रे बाप, क्या कर दिया भाई मैंने, अनर्थ हो गया भाई, अनर्थ। देख रहे हो इसकी नोस भाई, सामने वाला फ्रंट सीधा होता ही नहीं है भाई कसम से यार, क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या बवासीरी मारता इस कार में चूतिया, मैं बूस्टर नहीं मारेंगे भाई, उल्टा। ओके क्रैक कर लिया हमने, यहाँ पे बिल्कुल इजी है असल में, हर कार की जो है अलग अलग वो होता है नेचर, तो इस कार का नेचर ऐसा है कि जो है तुम इस कार को उल्टा ही लेकर जाओ, तो उल्टा लेकर जा रहा हूँ भाई, सीधा लेकर जाता हूँ भाई, तुरंत इस गाड़ी की जो है मैयत निकल जाती है, इस चूतिया गाड़ी भाई, सामने से पता नहीं क्या सामान की तरह नोज इसकी एकदम मुँह निकला हुआ है अंडे की तरह भाई। शिट यार, पहली बार में अभी हो जाती है वहाँ तक चली जाती है, अरे दूसरी बार में हो जाती है अगर तेरा कुछ हो जाता। यार ये लौंडे सारे नूब लौंडे लोग तो और मूड खराब करते हैं कसम से, यहाँ तीन बार जो है राउंड लगा के यहाँ से वहाँ भाई, पांच बार राउंड लगा के पांच बार लौंडे गाड़ी स्विच कर लेते हैं, ये चूतिया लोग पहले ही राउंड में अटके रहते हैं, गाड़ी नहीं स्विच कर पाते ये लोग, मॉन्स्टर ट्रक लेके संघर्ष कर रहा है जैसे जीता ही जाएगा, यहाँ पे जो है मेरे नाम का सिक्का चलता है बे, समझा बे। यहाँ पर जो है भाई मजाक कर रहे हैं यार, यहाँ पे भी बादशे लौंडे बहुत हरामी बहुत भयानक खेलते हैं सब, भयभीत हो जाते हैं भाई लौंडे। अभी देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा गए नीचे गए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा,
गार्बेज ट्रक है ना, इसमें टट्टी लटक जाती है, तो ब्रेक में सारी टट्टी लगी हुई है, तो ब्रेक कहाँ से पड़ेगी। थर्ड हो गए यार, जैसे अभी थर्ड हुए, मतलब थर्ड फोर्थ सेकेंड ऐसे ऐसे यहीं पे तुमको मेरी पोजीशन दिखेगी भाई। तुम कभी हमें फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स यहाँ पर तुम लोग मतलब यहाँ तो आसपास भी नहीं है यार, हम यहाँ पे हमें कभी नहीं देखोगे। थर्ड सेकेंड या फर्स्ट इसी पे मतलब होते रहते हैं हम, और लास्ट में पता नहीं जो है, जैसे क्रिकेट क्रिकेट में भाई धोनी बहक जाता है लास्ट में, छक्का चौवा पेल पेल के जीत जाता है भाई, सही आखिरी में हम भी बहक जाते हैं, सोया हुआ इसकी माँ का कुत्ता जाग जाता है अंदर गेमिंग वाला, तो उसी से जो है हम मतलब सेकेंड और फर्स्ट आ जाते हैं। खैर बहुत भयानक अपनी तारीफ कर रहे हैं भाई, छोटा मुंह बड़ी बात मैं करता हूँ भाई, लेकिन तुम लोग समझ जाओ, अपनी तारीफ खुद से किया करो, दूसरे लौंडे कहाँ करते हैं भाई, दूसरे लौंडे जलते हैं, दूसरे लौंडे करते हैं भाई, अगर बहुत अच्छे तुम्हारे दोस्त हैं सच्चे वाले तो वो लोग कर देंगे, तो ऐसे जो है इसीलिए इंडिपेंडेंट रहो, खुद इसकी माँ का हीरो अपने आप को समझो, अपने आप की तारीफ करो भाई। तो यहाँ पर बहुत चौड़े से दबा के मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मालूम है तुम लोग जो है अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि कौन चूतिया है साला, ये इतनी तारीफ अपनी खुद ही करे पड़ा है, वो तो जाहिर सी बात है सोचोगे अब भाई इतनी बकचोदी भी तो हम कर रहे हैं। खैर भाई लोग मजाक से हट के यार सेकंड पोजीशन, अरे बाप रे भाई फर्स्ट आ गए फिर सेकंड हो गए, पता नहीं कैसे कौन है मेरे आगे, एक बार पता चल जाए भाई, केस टू होगा पक्का, क्योंकि अभी हमको ऐसा लगा जब हम यहाँ तक पहुँचे ना मॉन्स्टर, अबे मॉन्स्टर ट्रक फिर आ गई यार, शेट मॉन्स्टर ट्रक और भाई यहाँ पे जम नहीं रही है, मामला यहाँ पे जम नहीं रहा है भाई मॉन्स्टर ट्रक का, इतना बड़ा बड़ा टायर है लेकिन उसके बावजूद जो है ये खराब खराब, ये यहाँ से तो निकल जा रहे हैं ये भाई, ये सीढ़ी वाले जो चक्कर है ना ये बहुत ख़राब है भाई, ये मॉन्स्टर ट्रक मज़ा नहीं दे रही भाई, नाम का बड़ा बड़ा टायर है, और ऊपर से भाई लौंडे लोग को तो तुम देख ही रहे हो पिछवाड़े में घुसे जा रहे हैं, बस एक बार इन लोग को मौका मिल जाए भाई, मौके का जो है इन लोग पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, मेरे तरह नहीं है यार ये लोग, मतलब साइड से हॉर्न बजा के निकल जाते हैं, लौंडे हैं बहुत पहुँचे हुए बहुत आगे सोच रखने वाले भाई, सब मौके का फ़ायदा पूरा भरपूर उठाते हैं, इसलिए जो है मौका भी नहीं देना है हमको भाई, कसम से ऊपर से इतना भयानक पागल लौंडा है भाई, कसम से कहाँ रात में खाया था, कहाँ सीढ़ी से सर के बल गिर गया, पता नहीं क्या हुआ है जो भी हुआ है भाई, लेकिन साला कतई भाई रैंप उल्टी नीचे से ला रहा है भाई प्लेन, बाप रे बाप, कोई लौंडा सोच भी नहीं सकता ऐसा गुमनाम, मतलब क्या बोलते हैं, किसी को गुमान भी नहीं होगा कि सामने से उल्टी ऊपर से ऐसे रैंप से फाइटर जेट आ रही है भाई। इन लोग लड़ाने के चक्कर में पड़े हैं भाई, ये लोग जो प्लेन वाले लौंडे है, लड़ा दें इन लोग तो सोच रहे हैं, इन लोग को लड़ा दें तो इन लोग ब्लास्ट हो जाएं, तो ऐसे इन लोग को मतलब थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन चूतिए इतने बड़े दिमाग में पता नहीं कौन से जानवर का टट्टा टट्टी घुसी है भाई, ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर उसको उड़ाएंगे तो खुद भी तो चूतिए ब्लास्ट हो जाएगा, तू भी तो वहीं से पैदा होके आएगा पागल, पागल लोग के दिमाग नहीं है भाई, ये पता नहीं क्या बंदे हैं यार, चलो कोई नहीं भाई, ये सब लौंडे लोग ऐसे ही पट, कौन हॉर्न बजाए चूतिया मराना साला, कौन हॉर्न बजा रहा है पागल साला, पता नहीं क्या हॉर्न बजाने में मिलता है पगलों को, कोई रोड पे है नहीं ना, एकदम सन्नाटा, कुत्ता इसकी माँ का लौट रहा है रोड पे, लेकिन हॉर्न साले ऐसा पे पे बजाई हैं जैसे बहुत चार पाँच घंटे से इसकी माँ का अटके हुए भीड़ में बहुत भयानक, और घर में टट्टी पेट में लगी हुई है, इन लोग को घर जाना हो, ये देखो भाई यार बाप रे, अभी तक तो जो है रोड पे मतलब ज़मीनी खतरा था, अब साले आसमानी खतरा भी इन लोग कर रहे भाई, मतलब खतरा बहुत ज़्यादा है, ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा ही कुछ था भाई, स्पाइडर मैन का जो है एक क्वार्ट्स बुढ़ा जो है वो स्पाइडर मैन को बताता है भाई, तुम्हारे पास अगर एकदम भयानक मतलब समझ सकते हो यार, इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी तुम लोग, हमारी तरह थोड़ी नहीं होगे। फिलहाल भाई हमारे आगे केस टू था, बिल्कुल हमने वो जज बिल्कुल हमने जो है प्रिडिक्ट किया था कि जो है यही होगा पक्का, और यही निकला भाई केस टू, असल में है प्रो प्लेयर।
पबजी के अलावा हम समझते थे भाई कि पबजी में चलो मान लेते हैं जोधा लौंडा है, ये पबजी लौंडा को भूत बना देता है, लेकिन भाई जब से साला जीटीए में आ गया है, ये जीटीए में भी फाड़े हुए भाई, जीटीए में भी भाई ये मतलब फर्स्ट आता है बार बार, लौंडे में कुछ बात है भाई, टैलेंटेड लौंडा है कुछ भी कहो। खैर कोई नहीं, टैलेंटेड लौंडा है तो है भाई, इसकी माँ का हम भी तो टैलेंटेड लौंडे हैं। अभी रुक जाओ, फर्स्ट आकर दिखाता हूँ मैं। अरे यार मौका था मेरे पास, निकल जाना चाहिए था केस टू के आगे, लेकिन हम पीछे से उसने हॉर्न बजा के जो है मुझे कंफ्यूज कर दिया भाई। खैर कोई नहीं, अभी ज़्यादा भी दूर नहीं है, वो देखो सामने दिख रहा है केस टू। एक छोटी सी गलती वो कर दे जो अक्सर वो करता है, जैसे गोल गोल प्लेन नचाता है, और मतलब कभी कभी लौंडे लोग के ऊपर अपनी प्लेन डायरेक्ट फड़ाक से जा कर टकले के बल क्रैश करा देता है, वो सब एक बार मतलब एक मौका छोटा सा मिल जाए बे। इसको देखो, इसको आई पॉप रे कसम से भाई, पीछे भी देखना पड़ेगा भाई, लौंडे ब्लास्ट करने के चक्कर में पड़े हैं, और साले डीजे डीजे खालिद की वैन आ गई, वैनिटी वैन मिल गई यार हमको। क्या है ये साला, टाटा स्काई का ऊपर तश्तरी लगी हुई है, डीजे रमेश का पास्ट ऊपर डीजे लगा है लेकिन गाना नहीं बज रहा है, डीजे रमेश मैशअप बहुत टट्टी है भाई। ये जो एक और है उसके बाद ये दूसरे नंबर की सबसे टट्टी चीज़ है, टट्टी व्हीकल है, तो इसको काफ़ी भाई मतलब बिल्कुल नज़ाकत से एकदम आराम से, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं पैदा हुआ होता है शिशु, नाजुक होता है कोमल, बिल्कुल उसी के तरह से जो है हमको कोमलता से इसको नीचे लेके जाना है, नहीं मौत हो जाएगी भाई, गाड़ी की भी मौत हो जाएगी, और जो मेरी लेगेसी और जो मेरी ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाली। अरे बाप रे भाई कसम से बहुत बहुत पटला उंडा है भाई, बहुत पटला उंडा है भाई, ये कौन है सूर्या गेमिंग साला, देख रहे हो इसका कमीना पना भाई, अरे बाप रे साला, कोई इसको कुछ बोलने वाला, कोई कुछ करने, कसम से अगर ब्लास्ट हो गई पाँच छः लौंडे लोग की मौत का जरिया बनेगा ये, लेकिन ब्लास्ट अभी तक हुआ नहीं है भाई, हम तो भैया पीछे रहेंगे बहुत हार्ड भाई। अबे यार फिर सेकंड हो गए, सब गिराने के चक्कर में पड़े हैं, देखो इसको कुत्ते को देखो साले को, इतने मुश्किल से भाई बीच में शुरुआत, भाई बाप रे भाई बच गए, पूरे कनपटी टकले छुला के निकला है हवाई जहाज भाई, कसम से बीच में या स्टार्टिंग में गिरा के सवार हैं, जब एकदम दहलीज पे चेक पॉइंट के पास पहुंचने वाले हो, ये सब कुत्ता पना मत किया करो यार, अगर तुम लोग कोई सुन रहे हो जीटीए वालों तो प्लीज़ यार, तुम लोग का हाथ पकड़ते हैं और तुम लोग का पैर पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ पकड़ते हैं तुम लोग का पैर पकड़ते हैं भाई, उल्टा कर लिया ले और बताओ। एक तो बीच में चूतिया ब्लास्ट हुई हुई कार पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी, कौन ज़माने में ब्लास्ट करके यहाँ पे रख के कोई चला गया पुराने ज़माने। अरे बाप रे फर्स्ट पे हैं क्या बॉयस यार, बात बात में कसम से, बात बात में तेरा भाई फर्स्ट आ जाता है भाई, तेरे भाई में भी कुछ बात है, किसी से पतला नहीं मुटता तेरा भाई भी, तेरा भाई भी जो है, ये देखो तेरे भाई की सब गांव मारने तुले रहते हैं भाई, आई एम सॉरी, लेकिन देखो हमको मोड़ के पीछे से साला, हम किसी को टक्कर नहीं मारते, लेकिन ये लोग भाई पता नहीं क्यों, ज़माना बड़ा ख़राब है भाई, ये मतलब नज़ाकत और शराफत का ज़माना नहीं है भाई, तुम ऐसे रियलिटी में ले लो चाहे तुम गेमिंग किसी चीज़ में भी ले लो यार, ये मतलब अपने आप को बिल्कुल टाइट रखो, नहीं लगूंगा अगला तुम्हारी इसकी माँ काट के निकल लेगा, तुमको वेलेक्स पे खड़े खड़े बेच देगा भाई, अपने आप को बिल्कुल टाइट रखो, जो यहाँ पे तुम लोग एक लाइफ एग्जांपल देख सकते हो ना, हमने किसी को इतनी देर से टक्कर मारा भाई, हॉर्न बजा के मैं रास्ता पास दे रहा हूँ, निकल जा बगल से साले, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से, लौंडे कसम से यार क्या ही कहें, लौंडे बहुत तेज है, अब की बार यहाँ पे हमने प्लेन धीमी कर लिया लेकिन तब भी पे जो है चूतिया नीचे गिर ही गया। शिट यार, ओके थोड़ी सी बाकी है रेस, देखते हैं जो बाकी के रेस का जो थोड़ा सा जो टाइम ड्यूरेशन बचा है उसमें पहले वाले लौंडे को जो है हम लोग
पछाड़ पाते हैं कि नहीं भाई। सेकंड कम से है, फर्स्ट थर्ड सेकंड हुए पड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार। सेकंड भी यार, सेकंड मतलब सेकंड को हल्के में लिए हो क्या? और सब तो बेचारे वो सब मतलब हम लोग के साथ खेल ही रहे हैं, उन लोग कितने अपने आप को मतलब खुशकिस्मत समझते होंगे। वो लोग तो मतलब सोचते भी नहीं होंगे यार कि मतलब फिफ्थ आ सकता हूँ मैं, कभी सिक्स्थ आऊँगा इस मैच में, इन प्रो प्लेयर पराग और केस टू के रहते हुए। और यहाँ पे भाई सेकंड आ गए हैं लेकिन तब भी बकैती कर रहे हैं, रो रहे हैं, खराब बात है भाई मेरी। यह देखो, देख भाई उसको कुत्ते को, बहुत चूत के अलाउंड है भाई। कब से उल्टा, शुरुआत से पता नहीं क्या करना चाह रहा है यार, किकआउट भी नहीं करता केस टू इन लोग को। लेकिन ऐसे लौंडे साथ में खेलते हैं भाई, मज़ा आता है कसम से भाई। बाप रे, हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए भाई? लग रहा लास्ट में हमको जो है हेलीकॉप्टर से वापस जाना है और फिर हमारी रेस ख़त्म हो जाएगी। अब भाई लोग, तुमसे थोड़ी मेरी जो है तहे दिल से गुजारिश है कि जो भी तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो इक्का दुक्का, तुम ही लोग कुछ कर सकते हो भाई। हम मतलब YouTube से मेरा बिल्कुल वो हट गया यार, भरोसा, इम्प्रेशन देते ही नहीं है YouTube वाले साले। जब किसी के पास वीडियो जाएगा तभी तो पब्लिक देखेगी और बताएगी भाई तेरा चैनल है, अच्छा वीडियो है कि नहीं है। किसी के पास भेजते ही नहीं भाई, तुम्हें तीन चार पाँच लोग हो तो तुम लोग से यार मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि मतलब वो थोड़ा वीडियो मेरा शेयर कर दिया करो भाई, और लाइक भी कर दिया करो, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि YouTube वाला साला जो मेरा चैनल का ठेका लेके बैठा है, जो भी हो ऑपरेटर, वो साला पूरा सर्वर का जो रेगुलेटर है भाई, एकदम धीमा कर दिया उसने, कुत्ते ने। मेरा नहीं चाह दुश्मन है भाई वो मेरा खुला, जो भी, अरे रे 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 भाई, खुला दुश्मन है मेरा वो, नहीं चाहता कि मैं यूट्यूबर बनूं भाई। चार साल से मरा रहा हूं, तो अब तो थोड़ा सब्र का फल दे दे भाई, भले छोटा सा दे दे प्लीज़। और ये वाला चैनल भी भाई मतलब पौने दो साल पुराना हो गया, सोच लो यार, पौने दो साल कोई लगातार कोई वीडियो डालेगा ऐसे वही ताकत से और वही जज्बे से? कोई होता तो भाई एक दो महीने में छोड़ के चला जाता, लेकिन भाई इतने दिन से अब कर रहा यार, चार पांच व्यू आता है, खाली छः व्यू आता है, दुई ठो लाइक पड़ी रहती है, ऊपर से एक मेरी मदर के फ़ोन से मैंने चार्ज किया है, अरे सब्सक्राइब किया है, उनकी लाइक होती है, मतलब कहने का ये मतलब है जो लाइक भी होती है भाई वो भी हम ही ने किया होता है। जो एक दो भाई हैं मेरे वो लोग लाइक कर देते हैं, वो बात अलग है। तो तुम लोग मेरा दर्द समझ सकते हो भाई, तो थोड़ा चैनल वैनल सब्सक्राइब कर दो। और यूट्यूब वाले सुअर साले, मेरा थोड़ा चैनल क्यों दुश्मनी क्या बिगाड़ा है भाई मैंने तेरे यार, माफ़ कर दे भाई, कुछ किया भी नहीं तब भी माफ़ी मांग रहे, हाथ जोड़ के चल। अब मेरा थोड़ा वीडियो पे इम्प्रेशन भेज दो भाई प्लीज़। ओके गाइस, काफ़ी मैंने जो है यहाँ पर अपनी बातें रख दी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूँ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।